प्रपोजिशंस का टॉपिक चल रहा था और उसमें कुछ प्रपोजिशन के हमने यूजेस भी पढ़े थे, अब कुछ हमारे जो रह गए उनका कर लेते हैं यूज। किसका यूज कैसे होगा? हमारे तीन प्रपोजिशन ये अप डाउन एंड अप टू, इनमें थोड़ा सा सिमिलर, इसमें थोड़ा सा स्लाइड से इनमें जो डिफरेंस है, आपका मतलब डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, डायरेक्शन को शो कर रहा है अपवर्ड यानी कि ऊपर की तरफ, डाउन मतलब नीचे की तरफ जैसे कि एरो इंडिकेट कर रही है, और अप टू क्या है एक फिक्स्ड स्पेसिफिक जो टाइम लिमिट है वो कुछ दे दिया है, एरिया स्पेसिफिक फिक्स्ड पॉइंट कोई दिया है वहां तक। तो इसमें जो एग्जांपल है वो देख लेते हैं। ही क्लाइम्ब्ड अप द ट्री, यानी वो ट्री के ऊपर चढ़ा, डायरेक्शन शो कर रहा है ऊपर की तरफ। ही रैन डाउन द स्टेयर्स, मतलब कि वो सीढ़ियों से नीचे की तरफ भाग रहे हैं। तो ये जो दोनों क्या है, अप और डाउन, और ये अप टू क्या है, डायरेक्शन को शो कर रहे हैं, डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहे हैं। चिल्ड्रन कैन गेट फ्री एजुकेशन अप टू द एज ऑफ 14, यहाँ पर क्या एक लिमिटेड जो एज है उसके फिक्स्ड क्राइटेरिया दे दिए कि कहाँ तक, अप टू का मतलब कि वो फिक्स्ड क्राइटेरिया दे रहा है कोई, यहाँ पर जो अप टू वो इंडिकेट कर रहा है कि 14 ईयर्स की एज तक ही क्या है एजुकेशन सबको फ्री है, उसके बाद नहीं है, यानी कि 14 एज लास्ट हमारा पॉइंट दे दिया है। फिर आता है हमारा यूज ऑफ अलोन। अब इसमें आपको आप डाउन और अप टू का मीनिंग समझ आ गया होगा। आप मतलब ऊपर जैसे कि ये एरो इंडिकेट करिए, डाउन नीचे की तरफ, और अप टू मतलब एक फिक्स्ड लेवल दिया है कोई वहां तक। फिर आता है हमारा अलोंग। अलोंग होता है कोई पैरेलल, कोई भी लाइन जैसे हम पैरेलल एक पैरेलल डायरेक्शन में चल रही है, यानी कि दोनों जुड़ी हुई नहीं है, बिल्कुल सेम और पैरेलल चल रही है बराबर, यानी कि पैरेलल का मतलब ही क्या होता है बराबर, या फिर हम इसको कह रहे हैं द लाइन मैचिंग द लेंथ और द डायरेक्शन, यानी कि उस लाइन में जो कि उसकी जो लेंथ है और जो डायरेक्शन है उसी में सेम चलना, यानी कि ये जो ये की लाइन और ये लाइन, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं डिस्टेंस में, यहाँ से शुरू से लेकर आखिर तक सेम, लेकिन ये अगर ऐसे हो गई तो ये पैरेलल नहीं है, क्योंकि यहाँ से चल रही थी इनका डिस्टेंस, यहाँ पे कुछ था, यहाँ पे क्या है अलग हो गया। तो पैरेलल यानी कि अलोंग का मतलब क्या, बिल्कुल एक साथ बराबर। एग्जाम्पल देखते हैं, आई वॉक्ड अलोंग द रेलवे लाइन, यहाँ पर इस एग्जाम्पल का मतलब क्या है कि वो रेलवे लाइन के बराबर चला, रेलवे ट्रैक के ऊपर नहीं चला है, यानी कि उसके ऊपर नहीं चल रहा है, वो बराबर में, जैसे कि ये आपका रेलवे ट्रैक है, दिस इज योर रेलवे ट्रैक, तो वो यहाँ पर चल रहा है, जो पर्सन है वो यहाँ पर चल रहा है इसके बराबर में, तो इसका मतलब क्या हुआ अलोंग, ठीक है। ऐसे ही वॉक अलोंग द रोड, ये अलोंग का मतलब क्या है कि ये जैसे रोड है, रोड के क्या है वो बराबर में चल रहा है, बिल्कुल बराबर में, इसके ऊपर नहीं है, यहाँ पर नहीं है कोई भी, ठीक है। अलोंग का मतलब होता है बराबर। ही वॉकड अलोंग द रेलवे लाइन, ही वॉकड अलोंग द रोड। फिर आता है अलोंग विद, यानी कि जो दोनों प्रपोजिशन एक साथ यूज हो रहे हैं, यानी कि इनको कंपाउंड प्रपोजिशन बोलते हैं, दो चीजें एक साथ आ रही है, अलोंग और विद दोनों साथ हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, टुगेदर विद समवन और समथिंग, यानी कि किसी चीज के साथ या किसी पर्सन के साथ, ठीक है, तो वो क्या होगा अलोंग विद। एग्जाम्पल से ही कम अलोंग विद मी, यानी कि मेरे साथ आओ। नेक्स्ट आता है अगेंस्ट। अगेंस्ट के कई बार हम वॉल के बराबर बिल्कुल ऐसे लग कर खड़े होते हैं, उसका मतलब भी अगेन होता है। हॉस्टिलिटी किसका है, फ्रेंडली का ऑपोजिट, हॉस्टिलिटी टू मतलब शत्रुता, ठीक है। और ये उनके यूज बता रहे हैं कि अगेंस्ट का यूज कैसे, फर्स्ट क्या है इन ऑपोजिट और कॉन्ट्रेरी टू, यानी कि ऑपोजिशन और कॉन्ट्रेरी टू मतलब विपरीतार्थक, उसके विरोध में। हॉस्टिलिटी टू मतलब शत्रुता शो करना, और जो सी है कि इन कॉन्टेक्ट विद, उसके संपर्क में, ठीक है, तो क्या हो गया अगेंस्ट। इसका एग्जाम्पल देते हैं, इट इज डिफिकल्ट टू सेल अगेंस्ट द करंट, यानी कि जो बहाव है पानी का उसके ऑपोजिट में नाव चलाना क्या है, बहुत मुश्किल है। सेल का मतलब क्या होता है, चलाना ही तो होता है ना नाव को। इट इज डिफिकल्ट टू सेल अगेंस्ट, अगेंस्ट का मतलब किसकी सेंस में, ऑपोजिट और कॉन्ट्रारी टू की सेंस में यूज हुआ है। आई एम अगेंस्ट टेररिज्म, यानी कि अगेंस्ट ये हॉस्टिलिटी शत्रुता, यानी कि मैं क्या है किसके, आतंकवाद के खिलाफ। Do not stand against the railing, you may fall down. Against the railing मतलब जो आपकी जो बाहर कॉरिडोर में के बाद जो आपकी जो रेलिंग्स लगी होती है, और वहां पर कोई बच्चा अगर उस पर सट के खड़ा होता है, बिल्कुल उसके बिल्कुल अटक, बिल्कुल उसके बराबर में लग के खड़ा हो जाता है, तो टीचर क्या बोलता है कि रेलिंग के पास, रेलिंग के बिल्कुल टच में आकर मत खड़े हो, नहीं तो गिर जाओगे। तो उसका मतलब क्या है अगेंस्ट, यहाँ पर इसका मतलब उसके ऑपोजिट नहीं है, कॉन्ट्रारी में नहीं है, ये बिल्कुल क्या है उसके बिल्कुल साथ में खड़ा होना। फिर आता है हमारा ऑन टू। अब उस दिन हमने क्या किया था, एक तो अप किया था
एक हमने ऑन किया था और एक अपॉन किया था, दो किए थे हमने, और आज क्या गया हमारा ऑन टू आ गया। ऑन में तो क्या था, कोई ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल किसी चीज के कॉन्टेक्ट में है, और अपॉन में क्या था कि मोशन में आया था वो भी उसके कॉन्टेक्ट में नहीं आया है। ऑन टू का मतलब क्या है कि वो मोशन में तो आ रहा है लेकिन आकर कहां पर है, कॉन्टेक्ट में आ गया वो ऑब्जेक्ट किसी चीज के ऊपर। तो इसको क्या टू ए पोजिशन ऑन, यानी कि इसका मतलब क्या, किसी चीज के ऊपर उसकी जो स्थिति है उसकी पोजिशन है वो आकर उस पर सेट हो जाती है। तो ये एग्जाम्पल क्या, ही जम्प्ड ऑन टू हिज हॉर्स एंड रोड अवे, यानी कि वो क्या कर रहा है, वो जंप करके कहां पर बैठा अपने हॉर्स पर और वहां से चला गया, उसको लेकर चला गया। तो ऑन अपॉन ऑन टू का डिफरेंस आपको समझ आया होगा अलोंग और अलोंग विद का। अब हम कुछ और करते हैं, बिहाइंड का यूज पढ़ते हैं। बिहाइंड का मतलब क्या होता है, कई बार लैक इन टाइम हो जाता है, टाइम के बाद, बिहाइंड पीछे रहना, जैसे कि मीनिंग हमें नॉर्मली पता है पीछे, ठीक है। अब इसका यूज हम एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ेंगे। बिहाइंड का टुवर्ड्स बैक और लेटर इन टाइम, यानी कि किसी चीज के पीछे से या फिर जो टाइम दिया गया है उसके बाद में, वो होता है बिहाइंड के सेंस में। एग्जाम्पल करते हैं, द पुलिस आर रनिंग बिहाइंड द थीफ, द पुलिस आर रनिंग बिहाइंड द थीफ। यहां पर क्या, वो उसके पीछे पीछे भाग रही है, चेज कर रही है पुलिस उसको, ठीक है। द पुलिस आर रनिंग बिहाइंड द थीफ। बिहाइंड का मतलब क्या बताया गया है, बिहाइंड का मतलब टुवर्ड्स बैक और लेटर इन टाइम, इन और टुवर्ड्स बैक और लेटर इन टाइम, इनके मीनिंग से आपको समझ आएगा लेटर इन टाइम। एग्जाम्पल देखते हैं, द पुलिस आर रनिंग बिहाइंड द थीफ, यानी ये पुलिस है वो क्या है, जो थीफ है उसका पीछा कर रही है। She hid behind the curtain, यानी कि उसके पीछे, बिहाइंड द कर्टिन। कर्टिन मतलब पढ़ते, बिहाइंड का मतलब पीछे, ठीक है। तो ट्रेन वॉज बिहाइंड टाइम, ट्रेन वॉज बिहाइंड टाइम, यानी कि जिस टाइम पर आनी चाहिए थी उस टाइम पर वो नहीं आई है, टाइम से पीछे रह गई है, बाद में आई। तो ट्रेन वॉज बिहाइंड टाइम, ठीक है। बिहाइंड का मतलब समझ आएगा किस सेंस में, किसी की डायरेक्शन बोल के टुवर्ड्स बैक, उसके पीछे से और टाइम के बाद, जिस टाइम दिया उसके बाद कुछ रहा तब भी हम बिहाइंड यूज करते हैं। अब हम करते हैं विदिन। विदिन का यूज करते हैं, यानी कि जो दिया गया जो समय है, यानी कि जो प्रेस्क्राइब टाइम है, उसके दौरान किसी काम को कंप्लीट करना। क्या बोलेंगे, प्रेस्क्राइब टाइम में जो काम कंप्लीट हो जाता है उसको जो इंडिकेट करेगा वो क्या करेगा, विद इन इंडिकेट करेगा। प्रेस्क्राइब टाइम में कोई काम हो जाता है, जैसे कि आपको टीचर होमवर्क देता है कि विद इन अ वीक आपको अपनी नोटबुक कंप्लीट करनी है, फिर मैं नोटबुक चेक करूंगा, ठीक है। तो क्या होगा, आपको टाइम लिमिट दे दी, एक प्रेस्क्राइब टाइम दे दिया, 1 वीक का आपको टाइम दे दिया, ठीक है। एग्जाम्पल देते, दे विल कम बैक विद इन 3 आवर्स, दे विल कम बैक विद इन 3 आवर्स, ठीक है। यहां पे जो विद इन है वो क्या इंडिकेट करे कि 3 घंटे, 3 घंटे के दौरान वो वापस आएंगे, 3 घंटे के से एक्सीड नहीं होगा, 3 घंटे के अंतर्गत, 3 घंटे के अंतर्गत वो वापस आ जाएंगे। अगला देखते हैं हम एग्जाम्पल, द मेडिसिन शुड बी कंज्यूम्ड विद इन 4 मंथ्स, दिस मेडिसिन शुड बी कंज्यूम्ड, शुड बी कंज्यूम्ड विद इन
विदिन फोर मंथ्स, यहाँ नहीं कि आपकी उस पर एक्सपायरी डेट मेंशन होती है, ठीक है, या फिर डॉक्टर आपको रेकमेंड करता है कि जो मेडिसिन है वो कब तक लेनी है, टाइम लिमिट देता है, प्रेस्क्राइब आपका कोर्स होता है कितने टाइम पीरियड तक आपको वो मेडिसिन कंज्यूम करनी है, तो वो जो इंडिकेट कर रहा है वो विदिन क्या बोल रहा है, एक आपका प्रेस्क्राइब आपका एक फिक्स टाइम बता रहा है कि इतने टाइम तक ही आप उसको ले सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं विदाउट का यूज। विदाउट का जैसे कि मीनिंग बता रहा है, किसी की एब्सेंस को शो करता है, किसी चीज की, किसी पर्सन की, जहां पर एब्सेंस को शो करेगा वो क्या इंडिकेट करेगा, विदाउट इंडिकेट करता है उस एब्सेंस को, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ते हैं हम कि विदाउट का कैसे यूज हो रहा है। He will not go there without him. ये इंडिकेट क्या कर रहा है, विदाउट, विदाउट इंडिकेट कर रहा है द एब्सेंस ऑफ समवन और समथिंग। विदाउट इंडिकेट द एब्सेंस ऑफ समवन और समथिंग, इंडिकेट्स एब्सेंस ऑफ समवन और समथिंग, ठीक है, यानी कि किसी की अनुपस्थिति, किसी के बिना कोई काम हो रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल कहते ही विल नॉट गो देयर विदाउट हिम, ही विल नॉट गो देयर विदाउट हिम, यानी कि इसने क्या किया कि वो उसके बिना वहां पर नहीं जाएगा, उसकी अनुपस्थिति को शो किया, उसकी एब्सेंस को इंडिकेट किया। फिर कहते वी शुड नॉट ट्रेवल विदाउट टिकट, यानी कि हमें टिकट के बिना कभी भी यात्रा नहीं करनी चाहिए, ठीक है। वी शुड नॉट ट्रेवल विदाउट टिकट, यहाँ पर विदाउट ने क्या इंडिकेट किया, यहाँ पे एब्सेंस इंडिकेट किया किस चीज की, जो आपकी थिंग है यानी कि टिकट की एब्सेंस को इंडिकेट किया। अब जो हमने प्रेपोजिशन पढ़ी है उनका यूजेस हम किस में करेंगे, जो ऑमिशन और एडिटिंग हमारे 9th और 10th में हमारे एग्जाम्स में आती है उसमें हम इन सब का, जितने भी हमने पढ़े हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े हैं, कंजंक्शन वगैरह पढ़ी है, वो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में आ रहा है, तो उनका जो हम इंडिकेशन करेंगे, उनका यूज करेंगे, कहाँ पर भी, तो सेंटेंस रीअरेंजमेंट आपकी आ रही है, ऑमिशन एडिटिंग आ रही है, गैप फिलिंग आ रही है, इन सब का जो इंटीग्रेटेड जो यूज होगा वो हमारा उन्हीं में होगा। इसलिए हमें क्या है, इन सब रूल्स को ध्यान रखना है। तो अगर आपको कुछ रह गया है तो हम देख लेते हैं, आज हमने क्या पढ़ा, विदाउट पढ़ा, बिहाइंड पढ़ा, विदिन पढ़ा। अकेले उस वर्ड का कोई मीनिंग नहीं आएगा, जब वो फ्रेज में यूज होंगे तब उनका मतलब यूज, उसकी कोई सेंस निकलेगी। तो फ्रेज प्रपोजिशन हम देख लेते हैं, कुछ फ्रेज प्रपोजिशन है जो कि हम सेंटेंस के साथ यूज करेंगे, जैसे अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू का मतलब क्या हो रहा है कि उसके अनुसार, उसके अनुरूप, ठीक है। अकॉर्डिंग का मतलब उसके अनुसार, उसके अनुरूप। एग्जांपल देते हैं, Soldiers attack according to plan. Soldiers attack according to plan, यानी कि उसके अनुसार, ठीक है। फिर हमारा आता है because of मतलब आपका reason show कर रहा है। अब देखो, अगर इनको आप separate करोगे तब तो इनका मीनिंग कुछ और आ रहा है, लेकिन अब जब ये फ्रेज के सेंस में एक साथ यूज हो रहे हैं तब इनकी सेंस कुछ और निकल रही है, ठीक है। तो इनका हम बोले फ्रेज प्रपोजिशन, जिसकी सेंस चेंज हो जाती है। ये अगर इन वर्ड्स को अगर हम अलग अलग करेंगे तो इसका मीनिंग कुछ और निकलेगा, लेकिन हमें क्या है दोनों के एक साथ यूज करना है। तो बिकॉज ऑफ का मतलब क्या होता है, कारण। द फ्लाइट वॉज डिलेड Because of foggy weather, यानी कि यहां पर reason show किया है। फिर आ रही है हमारी
बाय डिंट ऑफ, बाय डिंट ऑफ, बाय डिंट ऑफ का मतलब है की वजह से। यहां पर भी कॉज शो कर दिया, रीजन शो कर दिया कि किसकी वजह से। बाय डिंट ऑफ दे वन द मैच, दे वन द मैच, वन द मैच बाय द डिंट ऑफ देयर, बाय द डिंट ऑफ देयर हार्ड वर्क। दे वन द मैच बाय द डेंट ऑफ देयर हार्ड वर्क। यहां पर इसने रीजन शो कर दिया है, ठीक है। फिर आता है बाय मीन्स ऑफ, यानी कि बाय मीन्स ऑफ क्या होता है, की सहायता से। बाय मीन्स ऑफ वी गेट सक्सेस बाय मीन्स ऑफ हिज गाइडेंस, वी गेट सक्सेस, we get success by the means of his guidance. ठीक है, ऐसे ही हमारे बहुत सारे हैं जो हम कुछ जो यूजफुल है वो लिख देती हूं मैं। by virtue of, due to, for the sake of, for the sake of, by virtue of का मतलब के सद्गुण से, ठीक है, उसके अच्छे बिहेवियर से, उसकी जो क्वालिटीज है उसकी वजह से। तो क्या हुआ, by virtue of, इसका मतलब हम एग्जाम्पल लेते हैं, he got the job, he got the job by the virtue of his qualification, he got the job by the virtue of his qualification. फिर आता है due to, due to भी आपका reason show कर रहा है, the roads are blocked due to storm, यानी कि जो roads है किस वजह से रुके हुए हैं, किस वजह से बंद हैं, ड्यू टू स्ट्रोम, आंधी वगैरह, द रोड्स आर ब्लॉक ड्यू टू स्ट्रोम। फॉर द सेक ऑफ मतलब क्या है, किसी की जो बेनिफिट के लिए कोई बात होती है, उसकी भलाई के लिए, ठीक है, अच्छे के लिए, उसका मतलब है फॉर द सेक ऑफ। द सोल्जर सेक्रीफाइस देयर लाइव्स, the soldiers sacrifice their life for the sake of their motherland, the soldiers sacrifice their lives for the sake of their motherland. ऐसे ही कुछ और भी हैं हमारे, इनका मीनिंग आपको समझ आएगा, उनका सिर्फ मीनिंग बताऊंगी, सेंटेंस आप अपने खुद बनाएंगे, ठीक है। ये जो फ्रेज प्रपोजिशन है ये हमेशा एक साथ इकट्ठे ही यूज होंगे, इनका अगर अलग अलग सेपरेटली यूज किया तो उनकी सेंस चेंज हो जाएगी, मीनिंग चेंज हो जाएगा। जैसे कि इन एडिशन टू का मतलब है के अलावा, जैसे कि बिसाइड्स यूज होता है वैसे ही इन एडिशन टू, in addition to, in addition to, इसका मतलब होता है के अतिरिक्त, के अलावा, ठीक है। फिर आता है हमारा in front of का पिछली वीडियो में बताया था कि मतलब के सामने, यानी कि बिफोर की सेंस में, इसका किसकी सेंस में हुआ, बिसाइड्स की सेंस में।
इसका बिफोर के सेंस में यूज हुआ, ठीक है। फिर आता है हमारा इन लाय ऑफ, इन लाय ऑफ यानी के बदले में, फिर आता है हमारा इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर टू के सेंस क्या है, ताकि, फिर आता है हमारा इन प्लेस ऑफ यानी के स्थान पर, यानी कि दो ऑप्शन है उसके स्थान पर, ये भी कर सकते हो, आपको ऑप्शन मिल रहे, चॉइसेस मिल रही हैं, के स्थान पर, फिर आ रहा है इन प्लेस ऑफ, इन स्पाइट ऑफ के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ यानी कि के बावजूद, और इसको हम डिस्पाइट भी बोल सकते हैं, इसका मतलब है के बावजूद। फिर आता है हमारा इंस्टीड ऑफ, इंस्टीड ऑफ की बजाय, फिर है ऑन अकाउंट ऑफ, यानी कि ओकेजन आता कोई उसके उपलक्ष्य में, ऑन अकाउंट ऑफ के उपलक्ष्य में, यानी कि कोई प्रोग्राम वगैरह, कोई सेलिब्रेशन हो रहा है, किसकी किस खुशी में हो रहा है उसकी बात चल रही है के उपलक्ष्य में। फिर आ रहा है आपका ऑन बिहाफ ऑफ, यानी कि किसकी तरफ से ऑर्गेनाइज हो रहा है कोई प्रोग्राम, ऑन बिहाफ ऑफ, जिसके अपना एनुअल फंक्शन होता है, वो फंक्शन करवा कौन रहा है, स्कूल वाले करवा रहे हैं, किसकी तरफ से, ऑन बिहाफ ऑफ, इसका मतलब है की तरफ से। फिर हमारा विद रेफरेंस टू, के संदर्भ में, जब आप लेटर वगैरह लिखते हो तो उसमें आता है कि किसके रिगार्डिंग है ये, विद रेफरेंस टू यानी कि संदर्भ में, के संदर्भ में, ठीक है। अब लास्ट है हमारा विद रिगार्ड टू, यानी कि किससे रिलेटेड है, विद रिगार्ड टू यानी कि के संबंध में। अब ये जितने आपके फ्रेजल फ्रेजल प्रपोजिशन थी वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको आपके पैराग्राफ्स में, आपके ओमिशन एडिटिंग में, गैप फिलिंग में आपको सामने दिखेंगे, और आपको फिर देखना है कि क्या उसके साथ उसकी जो प्रपोजिशन यूज हो रही है वो सही है कि नहीं है, अगर नहीं है तो उसको आपको करेक्ट करना है। हमारा प्रपोजिशन का टॉपिक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, वैसे तो ये कभी खत्म नहीं होने वाला टॉपिक है, लेकिन फिर भी हमारे जो कोई डाउट है वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।